हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में नेक्स्ट लेसन पार्ट नंबर 9 मोती जैसे दांत शुरू करेंगे। पहले मैं पूरा चैप्टर रीड करूंगी, पूरा चैप्टर पढ़ूंगी और फिर उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोती जैसे दांत। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैंगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परी देश के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। परी मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीतपेय के झरने हैं। अथर्व ने परी से पूछा, बैंगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी, परी ने कहा। बैंगनी परी अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीतपेय पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। यह देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह कुछ बच्चों के पास गया और उसने हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ, स्वागत है मित्र, कहकर वह बच्चे भी हंसने पर वह बच्चे भी हंसे पर वे अथर्व के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। अथर्व उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित था। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अथर्व बुदबुदाया, इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब है, यह तो बुरी बात है। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। और ये पाठ लिखा है डॉक्टर मालती शर्मा ने। अब हम इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रीडिंग में आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये लेसन किस बारे में है। मोती जैसे दांत, मोती जैसे दांत मतलब जैसे मोती बहुत साफ चमकीले सफ़ेद रंग के होते हैं, यहाँ पर भी हमारे दांतों को मोतियों के साथ कंपेयर किया गया है। अथर्व, अथर्व नाम का एक लड़का है जिसका जन्मदिन था और जिसके जन्मदिन का निमंत्रण, निमंत्रण यानी
ग्रीटिंग कार्ड पाकर बैंगनी परी अपने देश से आई थी। अथर्व का जन्मदिन था और उसका जन्मदिन का निमंत्रण यानी ग्रीटिंग कार्ड अथर्व ने बैंगनी परी को भेजा था और बैंगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परी देश के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। जब हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं तो हम जाकर उन्हें विश करते हैं और उनके लिए हम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी परी ने अथर्व को विश किया, उसे कहा जियो हजारों साल और बहुत सारे अपने बैंगनी देश के बैंगनी रंग के चॉकलेट्स दिए और अथर्व ने उन्हें धन्यवाद कहा। अगर हमें कोई भी कुछ भी देता है या हमसे शेयर करता है तो हमें उसके लिए उसे धन्यवाद कहना, थैंक यू बोलना चाहिए। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीतपेय के झरने हैं। जैसे ही अथर्व ने परी से थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, परी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है और हमारे यहाँ यानी परी देश में जहाँ से परी आई थी वहाँ तो चॉकलेट की खेती होती है, यानी बहुत सारे चॉकलेट के प्लांट्स है, ट्रीज है और शीतपेय के झरने हैं यानी मीठे शरबत के वहाँ पे तो झरने बहते हैं और बच्चे बहुत खुशी से मस्ती से वो चॉकलेट्स खाते हैं और शीतपेय पीते हैं। अथर्व ने परी से पूछा, बैंगनी परी क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? जब अथर्व ने ये सुना कि वहाँ पर चॉकलेट की खेती होती है और शीतपेय के झरने बहते हैं तो अथर्व बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने परी से पूछा, परी क्या आप मुझे अपने साथ अपने देश ले चलेगी? परी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी। बैंगनी परी अथर्व को लेकर परी देश के लिए उड़ चली। परी देश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ और बैंगनी परी अथर्व को अपने साथ ले गई। जब अथर्व ने परी देश देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि परी देश के बच्चे झरने के पास जाकर शीतपेय पीते हैं। जैसे ही वो परी देश में पहुंचा, उसने देखा कि परी देश के बच्चे झरने के पास है और वहां जाकर शीतपेय यानी शरबत पी रहे हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खा रहे हैं। ये देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैसे ही अथर्व ने देखा कि यहाँ तो पेड़ के ऊपर चॉकलेट्स लटक रही है, हर जगह शीतपेय के झरने बह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसे भी बहुत सारे चॉकलेट्स खाने मिलेंगे। वह कुछ बच्चों के पास गया और उसने हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। जैसे ही वो कुछ बच्चों के पास गया उसने उनसे हाथ मिलाया और उनसे कहा, दोस्तों मैं अथर्व हूँ। उसने अपना नाम बताया। जब भी हम कहीं जाते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं या कुछ नए दोस्तों से मिलते हैं तो हम हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उनका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। वैसे ही अथर्व ने जाकर उनसे बात की, उन्हें हेलो कहा और उन्हें कहा कि मेरा नाम अथर्व है और मैं कहाँ से आया हूँ, पृथ्वी लोक से यानी मैं अर्थ पे से, ज़मीन से आया हूँ। स्वागत है मित्र कहकर वे बच्चे भी हंसे और उन लोगों ने भी अथर्व का स्वागत किया और वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। पर वह अथर्व के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान हो गए। जैसे ही वो लोग एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, उन्होंने क्या देखा, अथर्व के दूध से सफ़ेद दांत। यहाँ पर हमारे दांतों को यानी अथर्व के दांतों को किसके साथ कंपेयर किया गया है, दूध के साथ। जैसे दूध कितना साफ सफ़ेद रंग का होता है, वैसे ही यहाँ पर अथर्व के दांतों को दूध के रंग के साथ कंपेयर किया गया है। दूध से सफ़ेद दांत, मोती से चमकीले दांत, मोती की तरह, जिस तरह मोती चमकता है उससे भी ज़्यादा चमक रहे थे अथर्व के दांत। इसका मतलब अथर्व के दांत बहुत ज़्यादा साफ सफ़ेद और चमकीले थे।
अथर्व उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित था। अब उन्होंने तो अथर्व के इतने अच्छे दांत देखे और वो हैरान हो गए। वैसे ही अथर्व ने जब उनके दांत देखे तो उनके काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर अथर्व भी एकदम चकित हो गया कि यहाँ के बच्चों के दांत कितने गंदे हैं। और अचानक फिर उसे डॉक्टर चाचा की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा, शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। जब उसने उन बच्चों के इतने गंदे काले पीले टूटे फूटे दांत देखे तो उसे समझ नहीं आया कि यहाँ के बच्चों के दांत इतने गंदे क्यों हैं, क्या ये रोज़ ब्रश नहीं करते हैं। फिर उसे अचानक याद आया कि डॉक्टर चाचा ने कहा था कि तुम अगर च्युइंगम खाओगे, शीत पेय पियोगे या चॉकलेट्स खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तब उसे समझ में आया कि परी देश के बच्चों के दांत क्यों खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शीत पेय के झरने हैं, चॉकलेट की खेती है, तो वहाँ के बच्चे पूरा टाइम सिर्फ मीठा ही खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अथर्व बुदबुदाया। अथर्व बुदबुदाया यानी अथर्व ने स्लोली अपने मन में बात की। हम स्लोली कुछ बात करते हैं, कुछ जो किसी और ने नहीं सुना है, सिर्फ हम सुनते हैं। तो उसने उस तरीके से बात की, इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब है। उसे तब समझ में आ गया कि इस देश के बच्चों के दांत क्यों ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट की खेती है, शीत पेय के झरने हैं और यहाँ के बच्चे बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं और बहुत सारा शरबत पीते हैं। चॉकलेट्स खाना कोई बुरी बात नहीं है, मीठा खाना, शरबत खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हो, बहुत ज़्यादा शरबत पीते हो या बहुत ज़्यादा कोई भी मीठी चीज़ खाते हो, जिसकी वजह से आपके दांत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगेंगे। ये तो बुरी बात है। और अथर्व ने सोचा कि ये तो बहुत बुरी बात है कि आपके दांत जिसमें कीड़े हो गए हैं, जो पीले हो गए हैं, टूट फूट गए हैं सिर्फ मीठे की वजह से, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मीठा कम खाना चाहिए। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़कर जगा रहा है। झंझोड़कर जगा रहा है यानी ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है कि उठो। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके सामने उसकी माँ खड़ी है और माँ उसे जगा रही है और कह रही है, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है। विद्यालय यानी स्कूल। उसकी मम्मी उसे उठा रही है और बोल रही है, उठो, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना। अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। और अथर्व जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने अपनी माँ को देखा और वो अपनी माँ के सफ़ेद चमकीले दांतों को देखता रहा। इसका मतलब अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ अथर्व का सपना था, लेकिन इस सपने से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें मीठा कम खाना चाहिए। मीठा तो हर किसी को पसंद है, चॉकलेट्स हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन हमें चॉकलेट मीठा कम खाना चाहिए। और हर बार कुछ भी खाने के बाद, मीठा खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। दिन में दो बार तो हमें ब्रश करना ही चाहिए, एक बार जब हम सुबह उठते हैं सोकर और एक बार रात में सोने से पहले। ये दो टाइम तो हमें कंफर्म ब्रश करना ही है। उसके अलावा जब आप मीठा खाते हो तो मीठा खाने के बाद भी आपको ब्रश कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी खाना हमारे दांतों में अटका हुआ होगा वो सब कुछ निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब नहीं होंगे या हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। इस लेसन को, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं।